नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आर एस मम्मा स्पेशल। तो मैं हूँ गोल्डी और आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी की पूरी। पूरी को पूरी क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसे पूरा ही देते हैं, कभी भी आधा नहीं देते, इसलिए इसको पूरी कहते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी की पूरी, जो कि काफ़ी टेस्टी, हेल्दी है, सेहत से भरपूर है। आपको मांसपेशियों में, जोड़ों में जो भी दर्द होता है, बच्चे से बूढ़े तक, सभी इसे बहुत ही आसानी से खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी होती है, हेल्दी होती है, क्रंची होती है। सो हम बनाने जा रहे हैं इसकी पूरी। तो पूरी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, वो इंग्रेडिएंट्स मैं आपके साथ अभी शेयर कर दे रही हूँ, क्योंकि मैंने डो रेडी करके रख लिया हुआ, उस समय मैं वीडियो नहीं ले पाई थी। सो हमें ले लेना है गेहूँ, 2 कप गेहूँ का आटा, आधा कप लेना है मक्के का आटा, आधा कप लेना है ज्वार का आटा। उसमें हम डाल देना है मेथी, जो सूखी हुई मेथी जो मैंने धूप में सुखा ली थी। सर्दियों के समय भाजियाँ बहुत ही आसानी से मिल जाती है, फ्रेश मिल जाती है, तो बहुत अच्छा होता है कि आप इसको स्टोर करके रख लीजिए, सुखा के रख लीजिए। तो मैंने मेथी की भाजी, उसमें है पालक भाजी और बतुआ भाजी और आई थिंक चने की भाजी भी, ये सारी भाजियाँ जो मुझे मिली थी उस समय मैंने सुखा के रख ली थी। तो मैंने सूखी हुई भाजी का यूज़ कर रही हूँ मैं। और मैंने यहाँ पे उसमें डाल दिया था, मैंने उसे लिया था मतलब आधा कप मेथी का, ये पूरा मिक्सचर भाजियों का। और मैंने उसमें डाला था तिल, 3 से 4 टेबलस्पून, और 2 टेबलस्पून मैंने डाले हुए हैं अजवाइन, थोड़ा सा नमक स्वादानुसार, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, हल्दी और गरम मसाला, धनिया पाउडर, और आप चाहो तो मिर्च भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया। ये सारे डालने के बाद गर्म पानी से आपको इसे डो बना लेना है और 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट करके रखने लेना है। 10 मिनट के बाद आप इसकी पूड़ियाँ बना सकते हैं। सो हमने कैसे डो बनाया और कैसी पूड़ियाँ बनाई है वो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। पूड़ियाँ बहुत ही टेस्टी बनी थी, मैंने हम लोगों का नाश्ता हो चुका है। सो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो फ्रेंड, आटे का इस तरीके से डो, टाइट डो बना लिए है। 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने के लिए रखा था। गैस, कढ़ाई को हमने गैस पे चढ़ा दिया हाई फ्लेम पे, और ऑयल डालने के बाद हमने पूड़ियाँ सेंक ली हैं, लेमन शेप में लेके उसे बेल के हमने इसे सेंक लिया। काफ़ी अच्छी सीखी हैं आप देख सकते हैं, और हमारी पूड़ियाँ बन के तैयार है। आप उसे चाय चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। सो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ स्टे फिट, और अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरीके से बनाए रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।